हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक ले रहे हैं, दूरी की। पॉपुलर का दूरी पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप सही दूरी पे लगाते हैं तो आपकी ग्रोथ कितनी होती है, और अगर आप कम दूरी पे लगाते हैं तो आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ किसान भाइयों का पॉपुलर में फैल होने का सबसे बड़ा कारण दूरी है भाई, कि उन्हें सही नॉलेज नहीं थी, या नॉलेज होते हुए भी आदमी ये सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लूँ, मतलब ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे अगर मैं ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप कम पेड़ भी लगा लोगे, अगर उनमें अच्छा वेट हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ये बहुत कम किसान भाई समझते हैं। जो इस लॉजिक को समझ गया, उसने पॉपुलर में 2 रुपये कमा लिए भाई, उसे नुकसान बिल्कुल नहीं रहता। मैं आपसे बताऊं दूरी का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देखो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इनकी एज लगभग ये मान के चलो आप 2 साल 7 महीने के आसपास है भाई। देखो मैं ऐसे ही ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा होगा भाई, वीडियो बना रहा, देखो जिससे और अच्छी सी आ रही भाई। और ये देखो, ये हमने 15x15 की दूरी पर पेड़ लगाए थे भाई। मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगा कितना फ़र्क पड़ा। ये 15x15 की दूरी पे लगाए थे और ये 2 साल 7 महीने का पेड़ हो लिए। और मैं आपको दिखाऊं, ये तो 110 वैरायटी का पेड़ है। देखो आप अगर आप पहचान कर सकते हो, देखो सफाई, देखो कितनी बेमिसाल है इस पेड़ में। देखो कम कम डैनियाँ हैं और ये 109 वैरायटी का पेड़ है। देखो काफ़ी डैनियाँ हैं, साफ सुथरा पेड़ ये देखो। और ये 183 का पेड़ है। देखो आप ये सभी हमने मिक्स लगाए थे, हम देखना चाहते थे किसकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो भाई हमने 15x15 पे इनकी प्लांटेशन करी थी। इसमें जो गन्ने का बोर्ड हुआ, जो हमने पौधा बोया था, वो भी बहुत शानदार हुआ भाई। और जो पेड्डी हुई, पेड्डी भी हमारी 20 क्विंटल की 22 क्विंटल की आराम से निकल गई। बोर्ड निकला था हमारा 80 क्विंटल का बीघा इसमें 15x15 के प्लांट में। और फिर गेहूँ की फसल ली, तो गेहूं की फसल भी भाई हमारी 3.5 क्विंटल का बीघा निकली। वो कारण रहा दूरी। अगर आप दूरी का समझेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 100%। ये दूरी का इफेक्ट है भाई। हमने दूरी पे पेड़ लगाया था तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला हमें भाई। और मैं अभी आपको ऐसा भी पेड़ दिखाऊंगा जिसकी दूरी कम कर दी थी हमारे भाई ने। वो सोच रहा था कि ज़्यादा, हमने तो भाई ये मान के चलो हमारे तो बीघे में समथिंग ऐसे आए थे 35-38 पेड़ के आसपास आए थे, क्योंकि फिर हमने नोर बढ़ ली थी 70 फीट पे, तो 35-38 पेड़ बीघे में आ गए थे भाई। देखो ये भी 10 का ही पेड़ है, कितना शानदार चल रहा। अगला पेड़ भी 10 की है देखो। और भाई पशुओं के लिए चारा भी बहुत अच्छा हो जाए। अगर आप सही दूरी में 14x14 या 15x15 लगाते हैं तो पशुओं के लिए चारा भी हो जाता है, मतलब कि आपकी कोई भी फसल रुकने की नहीं, चलती रहेगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी चलती रहेगी। आपको इतना ऐसा नहीं लगना है कि हमने पेड़ लगा लिया है हमारी इनकम रुक गई, रुकने की नहीं बिल्कुल भी। तो भाई ये पेड़ आपके सामने 2.5 साल का, मैं आपकी इसकी ग्रोथ मैंने वीडियो में दिखा भी रखी, 27-28 इंची तक के पेड़ हो रहे हैं इसमें भाई, 25 से लेकर 27-28 इंच तक। देख लो आप इन पेड़ की लंबाई भी देख सकते हो कितनी बेहतरीन है, ये देखो। और सफाई भी देख लो आप। और मैं आपको दूसरा प्लॉट दिखाऊंगा एक, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये लगाया था इन्होंने भाई ने, ये लगाया था कम दूरी पे, और इस प्लॉट की एज होगी भाई 3.5 साल, 3 साल 7 महीने के आसपास इसकी एज होगी। 110 वैरायटी का पेड़ है भाई ये, आप इसे देख लो। ये इन्होंने लगाया था 14x8 की दूरी पे। देखो आप देखो इस प्लांट में कितना ज़्यादा फर्क है, ये देखो ये दूरी का फर्क है भाई। ये देखो आपके प्लांट देखो कैसे खड़े, बारीक बारीक प्लांट खड़े, मतलब कि वो हमारा प्लांटेशन। मैं आपको दिखाऊं अच्छे से, ये प्लांट तो है भाई 2.5 साल का। देखो आप इसकी सफाई भी देखो पेड़ की, इसमें ये देखो कितनी रौनक है, अलग ही दूरी का इफेक्ट दिखाऊंगा मैं आपको, कितने शानदार पेड़ चल दे। देखो मोटाई देख लो। और मैं आपको अब ये प्लांट दिखा रहा, ये प्लांट लग रहा है 14x8 की दूरी पे। आप इसमें देख लो, कहीं कोई रौनक नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो
तो इसका ही फर्क है। इसमें इन्होंने गन्ना बोया, गन्ना भी कम हुआ, गेहूं बोया, गेहूं भी कम हुआ, और भाई पेड़ की ग्रोथ भी कम है। तो ये बताओ फिर फायदा कहाँ से हो जाएगा, ये बताओ। इन्होंने पेड़ बढ़ा दिए, इनके बीघे में आगे होंगे भाई 45 पेड़ आगे होंगे, 50 आगे होंगे तो इन्हें पता होगा, लेकिन ये तो मान के चलो हमारा एक पेड़ और इनके दो पेड़ की ग्रोथ बराबर है। ये पेड़ ये मान के चलो आपका 20-22 इंची से फालतू नहीं, देख लो 20 इंची पेड़ है, तो अगले साल ये देख लो कितना ज़्यादा फर्क आ जाएगा, इनमें कितना ज़्यादा दूरी का इफेक्ट पड़ेगा। ये अगले साल और भी कम ग्रोथ होगी, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा इसे चाहिएगी जगह, प्रकाश संश्लेषण नहीं मिल पाने का इसे अंदर बिल्कुल भी। तो इसीलिए भाई हमारा तो कहने का मकसद ये है कि आप सही दिशा में पेड़ लगाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा 100% हम गारंटी ले रहे हैं भाई। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ने का, पत्तों को धूप नहीं लगने की, हवा नहीं लगने की, तो बढ़ेंगे कहाँ से। देखो पेड़ का सबसे मेन कारण है इसका ग्रोथ का खाद से भी ज़्यादा हवा, धूप और पानी। जब इसे पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाने की, सूरज की किरण नहीं मिल पाने की, तो भाई ये बढ़ने का नहीं। देखो मैं सच बता रहा आपको, इसका पूरा हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। देखो कितनी कम टहनियाँ आ रही इस पे, जितनी कम टहनियाँ होगी उतनी कम ग्रोथ होगी आपके पेड़ की, सीधा सा लॉजिक है। देख लो कितनी कम टहनियाँ हैं, और टहनियाँ बनेगी जब जब आपके पेड़ में होगी ग्रोथ, दूरियाँ होगी तो दूरियाँ से टहनी बनेगी, क्योंकि जब उन्हें धूप ही नहीं मिलने की, हवा ही नहीं मिलने की, तो डैनियाँ उत्पन्न कहाँ से होंगी, वो तो बढ़ने की नहीं, वो तो और छोटी हो जाएंगी और आपके पेड़ की ग्रोथ प्रभावित हो जाएगी बहुत बुरी तरह भाई। तो इसलिए भाई कम से कम भी आप 13x13 या 14x14 से कम प्लांटेशन बिल्कुल ना करें। अगर आपका खेत लंबा है 16x10 भी कर सकते हैं हम प्लांटेशन, यानी कि 13x13 ही करना जरूरी है, लेकिन ये 14x8 या 15x5 पे बिल्कुल प्लांटेशन ना करें। देखो मैं आपको दूरी का इफेक्ट दिखाऊंगा इसी प्लांट में, ये अंदर आ गया, ये आ गया पेड़ आपका छिद्दा, दूर हो गया, ये भी 3.5 साल का पेड़ है देखो, और इसे मिल रही है पूरी पर्याप्त जगह, यहाँ पे खाल पे कोई पेड़ नहीं है, अपना अलग ही खड़ा, देख लो भाई कितना बेहतरीन पेड़ चल रहा है। देखो ये भी 3.5 साल का पेड़ है, उन पेड़ से दुगुना हो लिया भाई, ये है दूरी का लॉजिक। इसीलिए भाई हम कह रहे किसी किसान भाई का नुकसान ना हो, उसका फायदा हो जा, इसलिए हम कह रहे भाई दूरी पे पेड़ लगाओ। अगर आप दूरी पे पेड़ लगाओगे तो आपको फायदा 100% होगा, इस बात को भाई समझो। अगर हमारी बात से आप सहमत हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका भाई आपके लिए वीडियो लाया, क्योंकि बहुत आदमी दूरी को लेके संदेह में है कि यार हम अगर छिद्दा पेड़ लगा लेंगे तो हमें इनकम कम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकम आपको अच्छी होगी, जितना आप छिद्दा पेड़ लगाओगे आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। ये देखो छिद्दे पेड़ में अलग ही सफाई है भाई, आप देख सकते हो कितनी शानदार सफाई है पेड़ में, देखो भाई इन्हें कौन बता देगा 2.5 साल के पेड़, अब वो 3.5 साल के पेड़ हो रहे, इतना ज़्यादा फर्क आ लिया, यो कारण है भाई दूरी का। देख लो पेड़ की लंबाई भी देख लो आप, देखो ये दूरी का फर्क है। देखो पशुओं के लिए घास भी बहुत बेहतरीन खड़ा, कोई समस्या नहीं, हमारी गाय का पूरा तो आराम से पाट देगा भाई, कोई समस्या नहीं आ रही। तो इसलिए भाई छिद्दा पेड़ लगाओ अगर आपको प्रॉफिट कमाना, और इसमें छिद्दे पेड़ लगाने में एक फ़ायदा हो रहा मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो पूरी देख रहे होगे तो आप इस बात को समझोगे, वो कह देना कि मंदा आ गया। अगर मंदा आ गया भाई तो जो छिद्दा पेड़ होगा जिसकी सही दूरी होगी वो बढ़ता जाएगा, वो पेड़ रुकने का नहीं, और उसमें फसल भी होती रहेगी। जिस पेड़ को आप कम दूरी पर लगा देंगे, जैसे ये लग रहा कम दूरी पर, तो इसमें फसल भी होनी बंद हो जाएगी भाई, अब पेड़ की ग्रोथ भी होनी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम भाई दूरी पे पेड़ लगाओ आप, हमारा तो मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त कर ले और कम टाइम में कर लें। तो इसीलिए ये उद्देश्य था वीडियो बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए, छोटे भाई का हौसला बढ़ता है, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। और हमारी जानकारी कैसी लगती है किसान भाइयों, हमारा तो उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी दी जाए जिससे आपका फ़ायदा हो। धन्यवाद किसान भाइयों।